जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के पत्रों की 14 फरवरी से स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक नामांकन हुआ है तथा 14 फरवरी को प्रत्याशियों के पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और 16 फरवरी को नाम वापसी होगी। उन्होंने कहा 16 फरवरी के शाम तक पोस्टर, बैलेट पेपर और बैलेट पेपर बना दिया जाएगा और उस दिन पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी तक 9 विधानसभा में 159 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 11 फरवरी तक हमारे यहाँ नामांकन हुआ और अब 14 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी फिर 16 फरवरी को है। 16 फरवरी को सायंकाल तक सभी चीज़ें अंतिम हो जाएंगी। शाम को 7A हम लोग बना देते हैं, पोस्टल बैलेट पेपर बना देते हैं, बैलेट पेपर बना देते हैं, उस दिन निश्चित हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। लगभग कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया? प्रत्याशियों का प्रत्येक एसी में जिन्होंने नामांकन किया है वो सूचना हमने मीडिया को अवेलेबल करा दी है। वो 9 विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ, तो प्रत्येक का मुझे याद नहीं है।